विश्व आदिवासी महोत्सव के दौरान हमारी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई है। दिनेश जी इनका नाम है और इन्होंने हमें बताया कि आजकल के समय में लोग केमिकल वाले फेस वॉश हो, मॉइस्चराइज़र हो, क्रीम हो, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर्बल की ओर नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वो कई सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते। लेकिन हम लोग दिनेश जी से जानेंगे कि आखिर इस हर्बल के इसमें फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र में क्या कुछ है। दिनेश जी लाइव इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी इस हर्बल फेस वॉश और साथ ही साथ इसके एसेंशियल्स के बारे में बताइए। इसका फ़ायदा तो ये है कि आज के दौर में जो एक सुंदरता महिलाओं की होनी चाहिए वो केमिकल के पीछे छिप जाती है और एक मन करता है सबके का नेचुरल ब्यूटी देखने का जी। तो हमारे प्रोडक्ट से एकदम नेचुरल ब्यूटी, ऐसा लगता है कि मानो कोई परी उतर आई हो धरती पे। रेगुलर यूज करते रहने से इस तरह का रिजल्ट आता है जी। और जो भी फेस वॉश में क्या कुछ मिला हुआ है ये पाउडर फॉर्मेट में, ज़्यादातर जो फेस वॉश होते हैं वो पाउडर फॉर्म में नहीं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं या थोड़े से सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन पाउडर में नहीं रहते। कोई भी नहीं है सॉलिड में, एक भी नहीं है, नहीं है। लिक्विड में होने से, लिक्विड है इट मीन्स इट इज़ केमिकल। तीन साल का एक्सपायरी कोई भी प्रोडक्ट नहीं कैरी कर सकता। हम लोग का 6 महीने का एक्सपायरी है तो 3 साल का प्रोडक्ट है, इसका मतलब वो केमिकल ही है। और केमिकल लगाने से पिगमेंटेशन, पिंपल्स, एक्ने वगैरह 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 चेहरे पे भर जाता है, जो कि बाद में उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई बचपन से इसका इस्तेमाल करे बिना केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का तो चेहरे पे बहुत अच्छी ग्लो रहेगी। इस फेस वॉश में आखिर क्या कुछ है, क्योंकि पाउडर में है तो इस पाउडर में क्या कुछ है? एलमंड है, केसर है, नीम है और हल्दी। हल्दी है, चारों का चारों इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है फेस के लिए। नीम और हल्दी तो एकदम मतलब माना हुआ है पूरे दुनिया में। और हम लोगों का बाल के लिए बनता है, किसी का बाल झड़ता हो या बाल में डेंड्रफ्ट हो, किसी को बाल का लेंथ चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, उसके लिए हम लोग का एकदम बिना केमिकल का प्रोडक्ट होता है बहुत कम दाम पे। अच्छा, क्या कुछ प्राइस है, क्योंकि लोगों के मन में इच्छा होगी कि आखिर इसका प्राइस कितना है, क्योंकि ये काफ़ी छोटे बॉटल में है तो लोगों को लगता होगा कि ये मुश्किल से 2, 4 या 1 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। टेन टाइम्स तो फेस वॉश हो जाता है चूँकि ट्रायल पैक है ये, और 1 मंथ तक ये 20 रुपये में मॉइस्चराइजर हमारा ये 1 महीना चल जाता है। चल जाता है। और 100 रुपये का जो पैक आता है वो 1 महीना पूरा चल जाता है, पाउडर एंड उसको सारा लेके करीब करीब 3 रुपये के नीचे खर्चा आता है हमारा एक बार यूज करने का मॉइस्चराइजर के साथ में। और ये जो मॉइस्चराइजर है, जो मॉइस्चराइजर के रूप में काम करेगा, इसमें क्या कुछ है, ये क्या चीज़ से बना है? एंड कोकोनट, आलमंड एंड कोकोनट, ये हमारा अपना खुद का प्रोडक्शन है, कोई इसमें मिलावट नहीं है, कोल्ड प्रेस पद्धति से बनता है, इसलिए बहुत इफेक्टिव है। कई सारे लोगों के मन में इच्छा होती है दिनेश जी कि हमारा फेस ऑयली है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरा फेस काफ़ी ऑयली है, तो हम लोग तेल वाली चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तेल वाली चीज़ों को अवॉइड करने का डर मत कीजिए, स्टिकी प्रोडक्ट जो होता है उससे थोड़ा बचिए, ये तो तुरंत सोख लेगा 2 बूंद, एकदम आपको स्टिकी जैसा फीलिंग आएगी ही नहीं। और उसके बाद भी अगर किसी किसी को लगता है कि थोड़ा मेरा पसीना से गीला हो गया, अंदर से कुछ ऑयल आ रहा है, एक नेपकिन रखिए और 2-3 घंटा से एक बार पोंछ लीजिए, लेकिन केमिकल का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर पिंपल्स है चेहरे पे तो हम लोग के पास में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि आपको 15 बार अगर कोई यूज़ कर ले तो पिंपल्स हम लोग एकदम जड़ से हटा सकते हैं। पिगमेंटेशन आ जाता है, लड़कियों का भी आता है, लेडीज लोगों का भी आता है, तो उससे बहुत एक कॉम्प्लेक्स आता है मन में कि अरे पिगमेंटेशन कैसे हटेगा, जो कि डॉक्टर लोग बोलते हैं लेजर सर्जरी के बिना नहीं हट सकता जी। जो कि लेजर सर्जरी करने के बाद भी पूरा फ़ायदा मिलता नहीं है। और वो प्रोडक्ट हम लोग, आप चैलेंज के तौर पर आप मेरे को एक पेशेंट दीजिए, सारा खर्चा हम करेंगे, टोटल खर्चा, और पिगमेंटेशन हटा के दिखाएंगे उसका, किसी का डार्क सर्कल्स है किसी का, क्योंकि जो सुंदर नारी है उसका 3 ही पिलर है। हम लोग तो मानते हैं कि चेहरा, बाल और दांत अगर ऑर्डर में है तो द लेडीज़ ब्यूटीफुल।
फैट वगैरह नहीं आता हमारा फेस वॉश यूज करने से, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रब अच्छी तरह से हो जाता है तो बहुत अच्छी ग्लो आती है। मेरे को 63 इयर्स की एज में अभी भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है। जी आप देख सकते हैं, तो लोग यहाँ पर जो महिलाएं अपने चेहरे पर केमिकल नहीं लगाना चाहती, अपने चेहरे को केमिकल से बचाना चाहती हैं, वो ज़रूर इस प्रोडक्ट के साथ जा सकती हैं। ये प्रोडक्ट हम कहाँ मिलेगा लड़कियों को, महिलाओं को कहाँ मिलेगा? लोग बाज़ार में नहीं बेचते, सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम लोगों का यही है, इसलिए कि अगर हम बाज़ार में अगर आने लग जाएंगे तो इमीडिएट डुप्लीकेट हो जाएगा। ओके, तो फिर ये कहाँ से मिलेगा लड़कियों को? अगर उसमें हमारा ईमेल आईडी और नंबर, टेलीफोन नंबर दिया हुआ रहता है जी, तो ऑल ओवर रांची, झारखंड या इंडिया में कोई भी अगर मंगाना चाहे तो कोरियर से मंगा सकते हैं। हम लोग भेजते भी, हम लोग कम से कम 1200 से 1500 कस्टमर ऐसे ही देखते देखते ही बन के, ज़्यादा कस्टमर भी हम लोग नहीं बढ़ा पाते क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम है हमारा। ओके, प्रोडक्शन बहुत कम होता है, इन्ग्रीडियंट्स नहीं मिलता। तो नेचुरल ग्लो या फिर हम लोग बात करेंगे अपने चेहरे को केमिकल से बचाने की, तो तमाम चीज़ों का एक उपाय जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब इसके इस्तेमाल पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, क्या कुछ चीज़ें यहाँ से निकलती है, और वो फ़िलहाल हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे कि लोग इसे किस रूप में ले रहे हैं। फ़िलहाल हमारे साथ इतना ही, सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया रांची।